amazing. You know, it was a very romantic feel. What was your first reaction to the maker of this album ask you to be a part of it? सबसे पहली बात अशर और मेरा जब मिलना हुआ था पहली बार तो हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हम लोग एक वक्त पे कभी साथ में शायद काम भी करने वाले हैं. हमारी शुरुआत हुई थी एक शो से जिसका नाम है सुर सागर, जो कि मैंने दूरदर्शन के लिए किया था. इट वाज अ सिंगिंग रियलिटी शो. उस शो में अशर थे, सिंगर थे, मैं वहाँ पर एंकर था. हम दोनों का मिलना हुआ उस शो के बाद में सडनली अचानक से हम दोनों के बीच में बात चली कि चलो यार कुछ एक काम करते हैं नया. वहाँ से हमने सिर्फ एक नाम उठाया था कि सहर, सहर के नाम से हम कुछ करते हैं स्टार्ट. फिर हम लोग रोज़ मिला करते थे और ये सारी बात हुई थी रमज़ान के वक्त. पूरे रमज़ानों में हम बैठे बैठे रोज़ इफ्तार के बाद में सहरी से पहले रातों को हम लोग बैठकर सिर्फ बातें करते थे कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे. फाइनली चीज़ें बनती 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 हम इसके लिए दुबई भी हम लोग इसके शूट के लिए गए थे दुबई. लेकिन दुबई की जितनी भी फुटेज थी हमने सब कुछ हटा दिया. लास्ट एंड फाइनल जो हुआ वो आज आप सभी लोगों ने देखा. आई होप कि आप सभी लोगों को वो पसंद आए, तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिएगा. जब हम बात करते हैं और वीडियो विजुअली लोग ज़्यादा एंजॉय करते हैं, तो अच्छे से कुछ पिक्चराइज करा गया हो या गाया गया हो तो ये भी इसके बारे में मैं क्या बोलूँ. मुझे बहुत कम टाइम के लिए मैं मिली थी इनसे, सलमान जी से, इसके लिए कोई और भी कास्ट हो चुकी थी. लास्ट मोमेंट में इन्होंने बोला एक वीडियो है तुम करोगे, मैंने कहा हाँ. बस जल्दी से फाइनल हुआ, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन पूरी टीम ने मेरा बहुत अच्छे तरीके से साथ दिया. शहर को भी साथ मिला इनका, तो हमारे शहर के लिए हमारी पूरी टीम के लिए बहुत अच्छा होता है. लेकिन रश्मि मैं फिर अपना सवाल पूछ रहा हूँ वापस से, क्या आपको लगता है एक नया ट्रेंड आ गया है सिंगल की? जब बात भी सही है, सिंगल एक वक्त हुआ करता था जैसे शाम से आठ में नमी सी है जबकि साथ की एक एल्बम आई थी, और वो दौर फिर से लौट रहा है. जैसे आप सिंगल वीडियो में हैं और ये एल्बम अच्छा लग रहा है, जब वीडियो भी देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और उस पर फिर गायकी भी अच्छी है. एक्चुअली ना हमेशा खूबसूरती जो होती है गाने की या किसी भी अल्फाजों की, वो हमेशा होती है सुनने वाले के कान में, सुनने वाले के जहन में. तो हमारा काम होता है कि हम अपनी तरफ से ना हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से पेश करें. और जो आपने अभी सवाल किया है उसका आंसर मैं ऐसा ही दूंगा कि जो बीता हुआ ज़माना जो चला गया था, वो ज़माना ना कभी बीता ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा आता रहेगा हर सदियों के बाद में. शायद सदियाँ शायद बोलते होंगे, 100 साल को या 10 साल को, आप लोग कोई आंसर देकर प्लीज. सदियाँ किसको बोलते हैं, 10 साल या 100 साल? 100 साल. ओके ओके. तो हर 10 साल बाद में कहीं ना हमारे म्यूजिक में चेंज आता है, और वो चेंजेस है ना, वो कुछ भी नया नहीं आएगा, वो कहीं ना घूम के एक सर्कल है, वो कहीं ना कहीं वही सर्कल घूमता रहेगा. तो जैसा कि अभी आपने पूछा है कि वो वाला जो सिंगिंग करने का अंदाज था, जो वो गाने थे, क्या वो फिर से लौट कर आए या वो फिर से पसंद किए जाएंगे, जाहिर सी बात है फर्क इतना सा है कि उसे हमेशा एक नए अंदाज में पेश किया है. बिल्कुल आएगा, रामराज्य आएगा. रामराज्य का मतलब एक्चुअली ना इंडिया में कुछ और ही चला गया है. रामराज्य मतलब कि लोगों ने कुछ और ही समझ रखा है. उसमें मैं किसी का नाम लेकर या किसी पर्टिकुलर किसी को पॉइंट आउट नहीं करूँगा कि किसने गलती की क्या गलती की. गलती हमारे सोच में. रामराज्य का मीनिंग ये होता है, राम जो थे वो थे पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम. उन्होंने अपने जीवन काल में जो जो अच्छे काम किए थे, अगर वही अच्छे काम हर एक इंसान करने लग जाए तो एक रामराज्य आ जाएगा. रामराज्य मतलब एक कलर या एक कम्युनिटी या उससे कोई मायने नहीं रखता है. रामराज्य मतलब कि एक अच्छा राज्य जहां पर हर किसी के साथ न्याय हो. एक्चुअली उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा, लेकिन हाँ उसमें आपको यही दिखाए जाने की कोशिश की जाएगी कि रामराज्य अगर इंडिया में आता है, मतलब कि खुशहाली और हर जगह न्याय, हर जगह सही को सही कहा जाए और गलत को गलत कहा जाए, इसी मुद्दे को लेकर पूरी रामराज्य फिल्म बनाई जा रही है. आई होप कि आप सभी लोगों को पसंद आएगी. थैंक यू सो मच. वेलकम.